और गंगा जमनी तहजीब का जो सबसे बड़ा एक तराना है वो है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो जी आप जी मुझे जी बताएंगे कि अलीगढ़ में कभी आपने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर एक कभी आपने ये नारा लगते सुना? सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हम सारे भाई बहन पैदा ही कैंपस में हुए हैं, इसलिए हम अलीगढ़ पढ़ने नहीं गए थे। जो कौमो मिल्लत के लोग वहां आए थे, शेख अब्दुल्ला वहां आए थे, हमने उन सबको अपने सामने बड़े होते हुए और उनकी तकरीरों के बीच में हम बड़े हुए हैं। हमने अपने पूरे जीवन काल में ये गंगा जमुना तहजीब वहां कभी मिली नहीं ना सुनी हमने। किसी ने हमसे बात नहीं की, क्योंकि हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 99% वही लोग थे, चाहे वो शाह वलीउल्लाह हो, चाहे आप कोई और कहें, फखरुद्दीन कह लें उन्हें, चाहे हामिद अंसारी कह लें, चाहे लियाकत अली कह लें, चाहे खलीकुज्जमा कह लें, यही सारे लोग थे। तो उनको वहां बताने के, इस ढपली को बजाने का उनको जरूरत ही नहीं थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हम अगर कुछ इस तरीके से बयां करें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का फोरम था, जहां से जहन तैयार किए जाते थे, जहां से उस वक्त भारत के हिंदू लीडरों से लड़ने के लिए लोगों को किस तरीके का नरेटिव दिया जाए वो पैदा किए जाते थे। आप तो देखें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था, दो बड़े नाम हैं, एक हैं सर सैयद अहमद खान जो मेरठ के थे, और एक नाम है इकबाल, जो आज पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, योमे बलादत पे उनकी छुट्टी होती है। दोनों को सर का खिताब मिला है। और इश्तियाक साहब की किताब पढ़ लें, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, पूरे मूवमेंट में एक मुसलमान मुझे बता दें जो फांसी के फंदे पे लटका हो। कमाल यह है कि इनको मार्केटिंग करना आती है। आप 5.5 लाख कश्मीरी कश्मीर से भाग के मार के मारा दी भागा दिए गए। इस देश में पिछले 6 साल में कम से कम 150 से ज्यादा हिंदुओं की लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, मजहब के नाम पे हुई है, लेकिन अल्लाह मियां ने ना तो इनको डेबिट कार्ड दिया ना क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन हिंदुस्तान की इस गंगा जमुना तहजीब और इस देश की फ्रॉड सरकारों ने इन्हें विक्टिम कार्ड दे दिया है, जो ये बड़ा अच्छा खेलना जानते हैं। और उसके बिल्कुल चलते अखलाक की खबर इंग्लैंड चली जाती है, बिहार के चुनाव में इशू बन जाती है, यूएनओ में हंगामा हो जाता है, देश में इंटॉलरेंट हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है नो वी विल नॉट अलाउ दिस मॉब लिंचिंग। तो अखलाक की मौत मॉब लिंचिंग थी 1984 में दिल्ली राजधानी में इस दारुल हुकूमत में 3,500 से सिखों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। न सुप्रीम कोर्ट ने कभी मॉब लिंचिंग कहा, न समाज ने कहा, न अखबार ने कहा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित भागे, 2,500 को हत्याएं हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। इसलिए अखलाक की मॉब लिंचिंग है। और 100 से 150 से ज्यादा देश भर में हिंदू मारे गए, तो वो मॉब लिंचिंग। तो ये नरेटिव अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सेट हुआ करते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलने वाला आदमी ही पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, और तो सही है। खलीफ को अगर पाठ पढ़ लें आप, तो मैंने अब सिर्फ एक तराना जो इकबाल का था वो मैंने वहां देखा, और उसके अलावा उनका कौमी तराना भी पढ़ा और उनका मिल्ली तराना भी मैंने पढ़ा। और जो देश की बात कर रहे थे, 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उनका वो रेजोल्यूशन भी मैंने पढ़ा। तो हमारे यहां तो दिक्कत यह हुई है कि जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश को तोड़ा, जिन्होंने इस देश के अंदर गजवाए हिंद लाने की कोशिश की, वही हमारे आइडियल बना दिए गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारा आइडियल कौन है, और हमारे देश का तराना उन्होंने लिखा है, हम उसको गाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वो जगह है जहां एक वाइस चांसलर आए थे हैदराबाद के, और क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के नहीं थे, थोड़ा हैदराबाद से और उस तरफ से आए थे, तो उनके अंदर उस किस्म का वलवला नहीं था कौम के लिए। उन्होंने अपने रुखसती भाषण में क्या कहा, उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो जगह है, यहां कितने भी अच्छे हिंदू को ले आइए, यहां कितने भी अच्छे मुसलमान को ले आइए, वो यहां से 5 साल के बाद मुस्लिम लीगी एकदम एंटी इंडिया बन के निकलता है। ये उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं उस दौर की बात आपको बता रहा हूं, जब मैं
स्कूल से निकल करके अपने जो कैंपस का स्कूल था जब यूनिवर्सिटी में आया, और क्योंकि मेरे वालिद साहब वहां एम्प्लॉय थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए बहुत सारी घटनाएं हैं। तो एक घटना आपको बता देता हूं और चरित्र बताता हूं। 1974 या 75 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ जिनका नाम था अली मोहम्मद खुसरो। वो बाद में जर्मनी के अंदर बोन में भारत के एम्बेसडर रहे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और वो आने वाले थे। तो उस वक्त वो आए नहीं, थोड़ा 3-4 महीने लेट हो गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शायद यूजीसी का ये रूल है संजय भाई कि जब कोई वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो और वो वहां लेट पहुंचे तो उस वैक्यूम पीरियड के अंदर जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा ही विल ऑफिशिएट एज वाइस चांसलर। अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्थिति बन गई कि ना तो मुसलमानों से रोया गया ना हंसा गया। तो हरबंश लाल शर्मा उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट में थे और वो इत्तफाक से सीनियर मोस्ट निकले। अच्छा, वो उस जमाने के थे जो तिलक लगा के आते थे, धोती पहन के आते थे और शुद्ध बात करते थे। आप सोचिए कि वो 4 महीने करीब करीब वाइस चांसलर रहे। वहां के बड़े बड़े दानिश्वर प्रोफेसरों ने, जाकिर हुसैन के दामाद ने, ऐसे ऐसे लोगों ने मिलकर के स्टूडेंट से ये कहा, और ये सब हमारे देख आंखों के सामने की कहानी है, ये कहा कि सर सैयद की कुर्सी पे एक काफिर कैसे बैठ सकता है। और वहां हिंदुओं के लिए एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल किया जाता था, कांदू। ये गाली की तरह इस्तेमाल होती थी कि सर सैयद की कुर्सी पे एक काफिर और एक कांदू कैसे बैठ सकता है। लड़कों से कहा गया 4 महीने तक लड़कों ने वाइस चांसलर लॉज में ताला लगा दिया, हरबंश लाल शर्मा को घुसने नहीं दिया। और टीचर उनसे सुबह मिलते थे, कहते थे ये लड़के बड़े बदतमीज हैं, और शाम को उन्हीं लड़कों को बदतमीजी भी सिखाते थे। लेकिन हरबंश लाल तो हरबंश लाल थे उस दौर के, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। उन्होंने भी वाइस चांसलर सिर्फ वीसी की लॉज में बैठ करके लॉन में 4 महीने की, लेकिन वो कभी भी बोले नहीं। लेकिन एक दूसरा करेक्टर 1979 में किसी पॉलिटिकल मसले में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा था, गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहां पर कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ जो गुजरों की बेल्ट है, दूध लाते थे उनके साथ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस पसमंजर को समझ पाएंगे। तो वहां कुछ गड़बड़ हुई और मारपीट हुई, और उस मारपीट के बाद पूरे कैंपस के अंदर जो 2-3 हिंदू फैमिली 30-40 हजार उसके बीच में रहते थे, प्रोफेसर डी कुमार की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। मेरे अपने घर में, मेरे फादर उस वक्त ऑपरेशन के आई के लिए शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल था वहां थे, हमारे घर में लोग घुसे, 30-40 लोग घुसे, और वो लोग जिन्हें हम दिन रात देखते थे, ये शाहिद भाई हैं, ये रफीक भाई हैं, ये अच्छन मियां हैं, वो सब घर में घुसे। किसी ने घड़ी उठा ली, किसी ने कहीं से चेन उठा ली, किसी ने कुछ और उठा लिया, और बहुत ही मैं समझता था कि मतलब मुझे उस दिन पता चला कि इनका लेवल क्या है। वो लोग जो दिन रात हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ पढ़ते थे, लिखते थे, उन्होंने किया। और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जौहरी के भतीजे प्रदीप जौहरी का बिल्कुल कत्लेआम, उसके टुकड़े टुकड़े करके लाश पड़ी रही। तो मैं उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दोनों रूप देख चुका हूं। वहां बड़ी मक्कारी और मुनाफकत के साथ जो हिंदू उस एजेंडे को चलाएगा वो दानिश्वर होता है, वो सेकुलर होता है, और हम भी सेकुलर थे, हम भी बहुत कुछ थे। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अलीगढ़ के लोग नाराज हैं, उनको लगता है कि हमने पुष्पेन को इसलिए नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा आपने नहीं पढ़ाया था, आपके अब्बा जान के पैसों से मैं नहीं पढ़ाता, मेरे वालिद साहब वहां थे, अपनी फीस से पढ़ाता। इसलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कुछ लोगों में, एक नेता जिनकी अब मौत हो गई, उन्होंने हमारे सामने ये स्पीच दी कि वी वॉन्ट टू क्रिएट ए पाकिस्तान विद नेम यू। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नथिंग बट ए पाकिस्तान उस आइडियोलॉजी में, उस एजेंडे में। और जब मैं पाकिस्तान गया 12 साल नौकरी करने, तो जब मैंने देखा तो मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा अलीगढ़ कम मक्कार है क्योंकि हिंदुओं के बीच में रह रहा है, और पाकिस्तान उससे बड़ा मक्कार है क्योंकि वो खुले में रह रहा है, कोई फर्क नहीं है। खलीकुज्जमा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, और उस किताब में वो लिखते हैं संजय भाई कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। खलीकुज्जमा बाद में पाकिस्तान चले गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। अब डे बाई डे जो थोड़े बहुत कुछ 0% भी एलिमेंट था वो समाप्त हो चुका है। अब पूरी तरीके से एकदम, जो लोग ये शब्द कहते हैं मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, कि वो रेडिकलाइज हो गए हैं। जो दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ेगा वो रेडिकलाइज ही होगा। इसलिए ये मॉडरेट मुसलमान और कट्टर मुसलमान,
ये सॉफ्ट मुसलमान ये कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ जगह देख करके उसकी परिभाषा तय होती है। असल में किताब इज ए प्रॉब्लम, मुस्लिम इज नॉट ए प्रॉब्लम।